मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, ऑनलाइन क्लास, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर टू, एक्सरसाइज 2.1, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। स्टूडेंट, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन नंबर्स की, उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम इसे बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, अगर हम दो नंबर लेते हैं, लेट अस वी टेक टू होल नंबर्स, ठीक है। अगर हमने दो होल नंबर ले लिए, क्या क्या, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 6, तो इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6, कितना आ गया आपके पास, 10। ओके, तो इसका मतलब है, इस प्रॉपर्टी में हम बोलते हैं, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, देयर सम इज आल्सो अ होल नंबर। हम बोल सकते हैं कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, कौन से नंबर को, टू होल नंबर्स को, तो उनका जो सम आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा उन्हें ऐड करने के बाद, वो भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, और हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि दिस कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस इज नॉन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक बार और समझ लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमने दो, इसका इस प्रॉपर्टी में क्या आता है कि अगर हम दो होल नंबर का सम करेंगे, तो उनका जो सम करके हमारे पास आंसर आएगा, या बोल सकते हैं रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा, एक होल नंबर है। यहाँ पे इससे हम कह सकते हैं कि जब हम कलेक्शन करेंगे किसी होल नंबर का, मतलब जब दो होल नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनसे जो हमारे पास सम आएगा, वो भी क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव में देख लेते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं, ये होता है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, और अगर आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में क्या करेंगे, अगर किसी भी ऑर्डर में आप उन्हें ऐड करेंगे, तो उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 6। ओके, तो a इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो 4 प्लस कितना आ गया, 6 इक्वल टू 6 प्लस 4। अब देखिए, पहले आपने 4 ऐड किया कितने में, 6 में, फिर 6 में कितना ऐड कर दिया, 4, तो ये हो गया a प्लस बी, और ये कितना हो गया, b प्लस a। अब आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, तो इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा, LHS इक्वल टू क्या जाएगा आपका, RHS आएगा। इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी में आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या आएगा, जो LHS होगा वो किसके इक्वल होगा, RHS के। देन इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा एक होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये थी हमारी एडिशन के लिए, अगर हम मल्टीप्लीकेशन में भी इसका यूज़ करें, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, एक चीज़ होगी इसमें कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर, देन their product is equal, or we can say that LHS equal to RHS। हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं, a 4 है, b 6 है, एंड b 6 है, a 4 है, अगर हम इन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, LHS equal to क्या आएगा, RHS आएगा। ये हमारी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, देन नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, पहले हम एडिशन देख लेते हैं, एसोसिएटिव, थर्ड वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें सिंपल सी एक चीज है कि इसमें हम कितनी वैल्यू ऐड करते थे, टू वैल्यू ऐड करते थे, इसमें थ्री ले लेंगे, जैसे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। ये किसके लिए है, एडिशन के लिए है, ठीक है, ऐड करेंगे इसमें एडिशन। तो देख लीजिए, a इसमें क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा, देन प्लस सी, इधर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे ऐड करने का, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, तो हमारे पास क्या इनका एडिशन सेम आएगा, ये चेक करना है हमें। तो देखिए, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू कितनी है, 6।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6। अब आप चेक करेंगे 5 प्लस 4 9 प्लस 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6 11। 11 और 4 कितने होते हैं आपके पास 15 एंड 9 प्लस 6 15। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब हमें इससे ये पता चल गया कि अगर हमारे पास कितने भी नंबर हैं एडिशन में, तो अगर हमारे पास एडिशन में दो से ज़्यादा नंबर भी हैं तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम बोल सकते हैं एल एच एस किसके आएगा, आर एच एस क्या आएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन में बात करते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए आपके पास तीन नंबर है, सेम यही नंबर ले लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं किसी ऑर्डर में। तो यहाँ आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब इसे कर लीजिए ए 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, इधर कर लीजिए 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 5 20 मल्टीप्लाई 6 यहाँ कितना आ गया 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई 4 यहाँ देख लीजिए कितना आएगा 120 और ये भी कितना आएगा 120। इससे क्या आ गया, एल एच एस आ गया आर एच एस के। ओके देन, तो हमें इससे ये पता चल गया कि या तो मल्टीप्लाई या एडिशन हम कुछ भी करें, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें नंबरों को, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या आएगा, आर एच एस आएगा। आपके पास अब लास्ट प्रॉपर्टी बचती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आपको ब्रैकेट एक्सपेंड करनी होती है। जैसे आपको ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी दे दिया, मतलब इसमें इस तरह आपको दी जाएगी, तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ, फिर ऐड करेंगे। ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे। एक नंबर ले लेते हैं हम 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। ओके, देखिए अब 7 की मल्टीप्लाई हम किस में करें, पहले 2 में करें प्लस 7 की मल्टीप्लाई किस में करें, 4 में करें, तो ये कितना आ गया 14 एंड ये 28। ऐड कर लीजिए 8 4 12, 2 1 3 एंड 1 4 कितना आ गया 42। अब इसका एक और मेथड है, अदर मेथड, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 है। ठीक है, आप इसको यहीं ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 42। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व इट लाइक बाय दिस। इसी प्रॉपर्टी को, इस वाली जो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, जैसे हम एक्सपेंड करके इसको दिखाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है। सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए कैसे होगी, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, एक मेथड तो वही है, सेम ये वाला कर सकते हैं। दूसरा आप इस तरह से करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस की जगह क्या आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई 2, 42 माइनस 14, 12 माइनस 4 8 एंड ये कितना आ गया आपके पास 28। ओके, और अदर मेथड यही है, और 7 मल्टीप्लाई 6 में से 2 माइनस किए कितना आ गया 4, तो देख लीजिए 7 4 जो 28। देन एक्सरसाइज फाइंड द सम। हम क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर चुके हैं, उसमें तो सिर्फ आपको एग्जांपल देना है। सेकंड करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें इसका सम करना है सुटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब एक अरेंजमेंट जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी लगा के इसे सॉल्व करना है। तो ये तीन है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देख लीजिए 1 5 6 2, ठीक है, क्या था आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 1 5 6 2, प्लस करेंगे आप इसमें कितना, प्लस 544 प्लस 238। ठीक है, ऐड कर देते हैं, ऐड करके दिखा देती हूँ मैं आपको इधर, 548 238, 8 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 एंड 4 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 1 कैरी 8, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, तो हो जाएगा 782 प्लस 1562। ओके, अब 1562 में कितना ऐड कर देंगे 782, तो कर लेते हैं 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 6 14 एंड 1
सेवन एंड फाइव ट्वेल्व और वन कैरी 13, 1 + 1 2, कितना आ गया 2354। ठीक है, यहाँ पे आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आपने यूज किया है क्योंकि आपको पता है अगर दो से ज्यादा वैल्यू आपको गिवन है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उन्हें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेम जैसे आपने पहले ऐड किया था, तो 117 प्लस 1117 प्लस 506 प्लस 283, तो 506 और 283 को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना आया, 3 प्लस 3 6, 8 6 14 एंड 1 15, 5 और 2 7 वन कैरी 8, तो कितना हो गया 856 प्लस कितना हो जाएगा 1117। अब इसमें किसका यूज किया आपने, एसोसिएट बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आप अब इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड करके देख लीजिए कितना हो गया, ऐड करके दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो आपके पास हो गया 7 प्लस 6 13, 5 प्लस 1 6 1 7, 8 प्लस 1 9 एंड 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1973। ओके,